सभी को नमस्कार। स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर कोडिंग सत्र में आपका स्वागत है। प्रशिक्षण के अलावा SEN युवाओं की तार्किक सोच को प्रशिक्षित करने के साथ हम सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ बुनियादी ज्ञान भी साझा करेंगे। लक्ष्य SEN युवाओं की सुचान प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार करना और उनके दैनिक कार्यों में सुचान प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के साथ उनकी मदद करना है। आइए पेज के शुरू पर वापस स्क्रॉल करें और सीखना शुरू करें पर क्लिक करें। SEN युवाओं को तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। प्रारंभिक अवस्था में माता पिता को उन्हें हर दिन अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ये SEN युवाओं के लिए बहुत ज्यादा है। हम एंटरटेनमेंट में विश्वास करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम बच्चों को उनकी अपनी गति से सीखने और दोहराने के लिए प्रेरित करेंगे। माता पिता का अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए स्वागत है। प्रति सप्ताह 1 घंटा बिताएं, एक साथ सीखें और अभ्यास करें। वर्तमान में go.org प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोडिंग प्रोजेक्ट हैं। यदि हम पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम सभी विभिन्न उपलब्ध विषयों को देखेंगे और उनमें से किसी एक से आसानी से जुड़ सकते हैं। उनमें से हम कुछ का चयन करेंगे जो SEN युवाओं के लिए उपयुक्त हैं और उनका मार्गदर्शन करेंगे। हम स्टार वार्स चुनते हैं। इस स्मार्ट किड सुचान प्रौद्योगिकी टूर श्रृंखला के मुख्य पात्र स्टार वार्स से हैं। विभिन्न प्रोग्रामिंग मिशनों के माध्यम से ये SEN युवाओं को अपनी तार्किक सोच विकसित करने की अनुमति देता है। इस एपिसोड को 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा भाग 6 वर्ष और उससे अधिक उम्र के SEN बच्चों के लिए उपयुक्त है। यह श्रृंखला उनकी तार्किक सोच और अधिक गणितीय अवधारणाओं को विकसित कर सकती है। कुछ SEN लोग आंख हाथ समन्वय में अच्छे नहीं होते हैं। एक्शन गेम या कार रेसिंग गेम खेलकर वे अपने समन्वय में सुधार कर सकते हैं। अब चलिए स्टार वार्स गेम प्रोडक्शन का दूसरा भाग शुरू करते हैं। स्तर 7 से 9 में अब हमारे पास R2D2 है। अब R2D2 बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। कंप्यूटर माउस या कीबोर्ड का उपयोग करके R2D2 को चलाने के लिए छात्रों को उपयुक्त कमांड ब्लॉक का उपयोग करने की आवश्यकता है। स्तर 7 से 9 में छात्र R2D2 को स्वतंत्र रूप से चलना सिखाएंगे। स्तर 9 से शुरू होकर छात्रों को उपलब्धि की भावना देते हुए बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। दस से 14 के स्तर में छात्र जोड़ और घटाव सीखेंगे और तार्किक सोच के माध्यम से विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करेंगे। अब प्रोग्राम ब्लॉक के 2 समूह हैं। बीच में अंक जोड़ें और अंक हटाएं हैं। नीचे हल्का हरा ब्लॉक निष्पादित कमांड बिल्डिंग ब्लॉक हैं। माता पिता निर्देश पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों के साथ चर्चा करें कि कौन से आदेश निष्पादन प्राप्त करेंगे और कौन से अंग हटाएंगे। अपने बच्चों को उनकी तार्किक समझ का उपयोग करते हुए पहले सोचने दें। माता पिता उनके साथ मार्गदर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे कार्यों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। समाप्त होने पर क्या होता है ये देखने के लिए रन दबाएं। दस से 14 के स्तर में कार्य काफी चुनौतीपूर्ण है। माता पिता को अपने बच्चों की भावनात्मक और मानसिक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करना चाहिए।
SEN युवा आसानी से थक सकते हैं, जब उन्हें पहली बार इन तार्किक सोच अभ्यासों और गणितीय गणनाओं से परिचित कराया जाता है। यदि आप देखते हैं कि वे थके हुए हैं, तो कृपया उन्हें 20 से 30 मिनट का ब्रेक लेने दें, या फिर इस गतिविधि को दूसरे दिन भी जारी रख सकते हैं। एजुटेनमेंट हमारा विश्वास है। पजल गेम डिजाइन की प्रक्रिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि बच्चे एक मजेदार वातावरण में बुनियादी गणित और तर्क सोच सीखें। स्तर 15 में बच्चे अपने स्वयं के स्टार वार्स गेम को डिजाइन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो उन्होंने सीखा है उसका उपयोग कर रहे हैं। अंत में वे खेल को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। SEN युवाओं को तार्किक सोच सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि सही उत्तर मिले, परंतु उन्हें समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन करना और इससे समस्या समाधान का अनुभव संचित करना। यदि हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा दिमाग लचीला होगा। हम आपको स्मार्ट किड्स सुचान प्रौद्योगिकी टूर के अगले एपिसोड में देखेंगे।